काफ़ी पुराना किला है जो ज़मीन के ऊपर थोड़ा सा ही दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ सुरंग भी हैं ऐसी जो किले के अंदर होने के साक्ष्य मिलते हैं। पांडवों का घेर था जहाँ पर उनके पशु पला करते थे। और हेलो गाइज, वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गया हूँ आपको द्रोण नगरी काशीपुर में, और यहाँ पर मैं इस टाइम खड़ा हुआ हूँ द्रोण सागर में। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ किले पर, जो यहाँ पर पांडवों का घेर बना हुआ है, तो वो घेर यहाँ पर कैसा है वो सब कुछ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, द्रोण सागर से कुछ इस प्रकार का आपको रास्ता देखने को मिलेगा जो द्रोण सागर से सीधा किले की ओर जाता है। तो यहाँ पर जो ईंट होती हैं उनका खड़ौंजा बिछा हुआ है, और यहाँ का जो व्यू है तो वो फ्रेंड्स काफ़ी देखने लायक है, काफ़ी प्यारा व्यू यहाँ पर आ रहा है। तो चलते हैं और देखते हैं किले पर जाकर क्या कुछ देखने को मिलता है। आज वहाँ पर तिरंगा झंडा भी फहराया जाएगा। अभी हो गए हैं 9:30 लगभग, तो पता नहीं फहराया गया या नहीं फहराया गया, बट नीचे मैंने मालूम किया था तो वो बोल रहे थे कि आज किले पर तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। तो चलकर देखेंगे क्या झंडा फहराया गया है या नहीं फहराया गया है। इतने आप इस हसीन नज़ारे के, हसीन व्यू के लुत्फ़ उठाइए। बहकी सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। तो दोस्तों, वहां से कुछ ये लोग बाग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो शायद तिरंगा झंडा लहराने का जो कार्यक्रम था वो तो शायद यहाँ पर समाप्त हो चुका है। फिर भी चलते हैं और देखते हैं किला, जो यहाँ पर ये सारी जगह जो आप देखने को मिल रही है, ये जितनी भी जगह है, तो फ्रेंड्स ये सारी किले की जगह है जिसमें पूरा किला जमींदोज हो चुका है, और किले का थोड़ा ही पार्ट ऊपर निकला हुआ है, भूड़ सी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसके ऊपर किले का थोड़ा पार्ट निकला हुआ है, तो वो पार्ट मैं आपको दिखाऊँगा चलकर। और इस पूरे एरिया में जितनी भी मट्टी, पता नहीं प्राकृतिक आपदा से किसी से ये पूरा का पूरा किला यहाँ पर ज़मीन के अंदर जमींदोज हो गया। तो चलते हैं, और सामने आप देख सकते हो यहीं पर आज प्रोग्राम था, तो वो शायद प्रोग्राम तो अब ख़त्म हो चुका है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो गया। दोस्तों, यहाँ पर जो किला बना हुआ है तो प्राचीन काल का बना हुआ यह किला है, महाभारत के टाइम का किला बना हुआ है यहाँ पर, और इसे पांडवों का घेर भी कहा जाता है, और इसे काशीपुर का उल्टा किला भी कहा जाता है। काफ़ी प्राचीन किला है, और इधर देख सकते हो भारत की आन बान शान, तिरंगा, जय हिंद, वंदे मातरम। तो यहीं पर आज ध्वजारोपण का प्रोग्राम था, तिरंगा झंडा लहराया गया, और देख सकते हो कितना प्यारा तिरंगा झंडा। और ये सामने आप देख सकते हो किला आपको देखने को मिलेगा, जो यही वो पार्ट है जो किले का ऊपर दिखाई देता है। और आज हमारा 75वां स्वतंत्र दिवस समारोह था, अमृत महोत्सव, जिसको सभी लोगों ने काफ़ी प्यार से मनाया, और आपने भी काफ़ी अच्छी तरीके से 15 अगस्त को मनाया होगा, अपने घर पर झंडा रोपण किया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो उत्खनित स्थल पंचायत मंदिर, 6वीं सदी ईस्वी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो ये काफ़ी पुराना किला है जो ज़मीन के ऊपर थोड़ा सा ही दिखाई देता है, बाकी पूरा जो किला है तो वो पूरा का पूरा ज़मीन के अंदर समा चुका है। यहाँ पर देखो फ्रेंड्स किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा बनाया हुआ है। यहाँ पर ये पत्थर का प्रयोग करके, ये देख सकते हो ये पत्थर है, ये कटे हुए पत्थरों का प्रयोग करके पूरा ये इस प्रकार से, यहाँ पर बस इतना ही पार्ट ऊपर है, बाकी सारा पार्ट इसका ज़मीन के अंदर लुप्त हो चुका है, पूरा ही यहाँ पर जमींदोज हो चुका है। और यहाँ पर कुछ सुरंग भी हैं ऐसी जो किले के अंदर होने के साक्ष्य मिलते हैं, तो देखते हैं कहाँ पर हैं। मैंने सुना ही है, मैंने देखा तो नहीं है पहले, बट आज देखते हैं शायद कहीं कोई सुरंग मिल जाए। और यहाँ से व्यू देखो फ्रेंड्स, चारों ओर का
काफ़ी नेचुरल व्यू देखने को मिलेगा, काफ़ी प्यारी जगह है, बहुत ही बढ़िया जगह है। क्या लगता है फ्रेंड्स, ये छत का भाग हो सकता है, ऊपरी भाग जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है? तो कुछ इस प्रकार से अब से 1000 से 1500 साल पहले जब भी महाभारत का टाइम होगा, इस प्रकार से किले हुआ करते थे, इस प्रकार की दीवारें हुआ करती थी। ये सभी दीवारें आप देख सकते हो किस प्रकार से पत्थर कटे हुए हैं, यहाँ पर पत्थर काटकर ये पूरी यहाँ की चिनाई देखने को मिल रही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी खजाना भी होने के अनुमान हैं, बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने अभी इस तरीके कोई परमिशन नहीं दी है कि यहाँ पर इसे खोदकर कुछ खजाना यहाँ से निकाला जाए। और पूरा जितना भी आप ये एरिया देख रहे हो चारों तरफ का, यहाँ से जितना भी चारों तरफ का ये एरिया, जहाँ तक आपको ये खजूर के पेड़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये सारी किले की एरिया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किला था, पूरे में सारी किले की एरिया है। और यहाँ पर भी देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ही सारा किला यहाँ पर देखने को मिला। ये शायद किले का ऊपरी भाग है, निचला भाग है, निचला तो होगा नहीं, ऊपरी भाग होगा, क्योंकि सारा किला तो ज़मीन के अंदर है। और यहाँ पर अंदर जाने के लिए कोई ऐसी सुरंग वगैरह देखने को तो नहीं मिलती है। और देखते हैं, काफ़ी बड़ा है चारों ओर से, शायद कुछ मिले, या फिर ऐसा हो सकता है पहले हो अब बंद कर दी गई हो जिससे कोई नीचे ना जा सके। ये ऊपरी छत का ही भाग है फ्रेंड, जो ऊपर देखने को मिल रहा है वो छत का भाग है, बाकी पूरा जो किला है वो अंदर ही है। वहाँ अंदर जाने के लिए यहाँ पर कोई दरवाज़ा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो बीच का भाग है, बीच में दरवाजे नहीं, दरवाजे तो साइडों में होंगे, जो पूरा किला नीचे दब चुका है वहीं पर कहीं ना कहीं दरवाज़ा होगा। ये ऊपरी भाग है तो यहाँ से कोई अंदर जाने के लिए ऐसा दरवाज़ा देखने को नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहीं पर पांचों पांडवों ने अपना बचपन बिताया, यहीं पर गुरु द्रोणाचार्य से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जो द्रोणाचार्य का आश्रम मैंने आपको पिछले ब्लॉग में अपने दिखाया था। और यहाँ जो जगह आप देख रहे हो, ये किला आप देख रहे हो, ये पांडवों का घेर था, जहाँ पर उनके पशु पला करते थे। और जितना भी यहाँ पर ये एरिया चारों ओर दिखाई दे रहा है, तो सब में यहाँ पर उनका घेर बना हुआ था, जो इस टाइम तो अब यही पार्ट दिखाई देता है, बाकी पूरा किला यहाँ पर ज़मीन के अंदर समा चुका है। तो फ्रेंड्स, ये था द्रोण नगरी काशीपुर का पांडवों का किला, जो यहाँ पर इसका कुछ ही भाग शेष देखने को मिलता है, बाकी जो पूरा किला है वो ज़मीन के अंदर जमींदोज हो चुका है। और यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको दिखाया, और काफ़ी प्यारी जगह थी, काफ़ी नेचुरल जगह है, और चारों ओर की जो हरियाली है वो देखने लायक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर से कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दो, जिससे मेरे इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट प्लेस पर, तब तक के लिए बाय बाय।